खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां अजमतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीडी सिंह विगत 13 वर्षों से छपरा सुल्तानपुर में क्षेत्र के शिशुओं का प्रत्येक रविवार को अनवरत निःशुल्क इलाज परामर्श व दवाएं देते आ रहे। बता दें कि जनपद के ख्वातिलब्ध शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीडी सिंह 13 दिसंबर 2009 से लगातार प्रत्येक रविवार को अपने पैतृक गांव छपरा सुल्तानपुर आवास पर ग्रामीण शिशुओं का इलाज करते आ रहे। क्षेत्र के सालेपुर, अजगरा, हरई, इस्माइलपुर, खर्रा, रास्तीपुर, इमिलिया, टनकपुरा, कठरा, कोठिया, छपरा, रसूलपुर आदि गाँव के लोग इस शिविर से लाभान्वित हो रहे। साथ ही दूर दराज के मरीज भी पता लगाकर पहुंचते हैं। लगातार 13 वर्षों से निःशुल्क इलाज कर रहे डॉक्टर सिंह के सामने कई शिशु ऐसे आए जो धनाभाव में इलाज नहीं कर पाते। उन बच्चों को इनके निःशुल्क शिविर से काफी लाभ मिला। गाँव में आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो धनाभाव के कारण बच्चे बीमार पड़ने पर समुचित इलाज नहीं करा पाते। ऐसे बच्चों का इलाज कर डॉक्टर डीडी सिंह अपने को धन्य मानते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अभिभावक हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि ये बच्चे ही घर, गांव, जिले, प्रदेश, प्रदेश के आने वाले कल को संवारते हैं। ऐसे में इनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना आवश्यक है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से ही संभव है। पूरे देश प्रदेश को तो नहीं, एक गाँव व उसके आसपास के लोगों के ही शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देकर डॉक्टर सिंह इस कड़ी में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे। डॉक्टर डीडी सिंह कहते हैं कि माता पिता की प्रेरणा से यह कार्य हमने शुरू किया। आज अबोध बच्चों का इलाज कर हमें आत्मसंतुष्टि मिल रही है। यह कार्य अनवरत चलता रहेगा, जिससे कुछ जरूरतमंद बच्चों का इलाज हम कर सकेंगे। विदित हो कि यह क्षेत्र ग्रामीण इलाका है, यहाँ अभी भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। ऐसे में डॉक्टर सिंह द्वारा निःशुल्क इलाज किए जाने से शिशुओं को काफी राहत मिल रही है। 13 वर्ष पूर्व होने पर डॉक्टर सिंह के घर मरीज बच्चों व शिवचिंतकों का जमावड़ा लगा हुआ था। डॉक्टर सिंह बड़ी ही लगन और तन्मयता के साथ एक एक मरीज की शिकायत सुनकर उचित परामर्श और दवाई दे रहे थे। इस कार्य से क्षेत्रीय लोगों में हर्ष का माहौल है और लोग डॉक्टर डीडी सिंह की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे थे। इस अवसर पर आसपास के गाँव कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आजमगढ़ जनपद से जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। लगातार बच्चों को चेक करते आ रहे हैं, तो कौन सी बीमारियाँ मतलब आपको गांव में बच्चों में ज्यादा दिखती है और किस तरह के सिस्टम मतलब सिम्टम्स जो है आपको बच्चों में ज्यादा बीमारियाँ लापरवाही की हैं? खाने पीने की लापरवाही हुआ तो फूड पॉइजनिंग हो गया, डायरिया वगैरह हो गया। मौसम से लापरवाही है तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो मौसम जनित बीमारियाँ ही बच्चों में ज्यादा पाई जाती हैं, जिसकी रोकथाम के उपाय बताए जाते हैं और उससे उचित चिकित्सा करके उनका दवा दी जाती है। ठीक है, अरे अभी जो कि ठंड का मौसम है तो मतलब बच्चों में किस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं? ठंड में रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही बीमारियां ज़्यादा होती हैं, श्वसन तंत्र संबंधित जो सांस की बीमारियां हैं, खांसी की, सर्दी की बीमारी। तो उसके लिए क्या मतलब कुछ उपाय वगैरह? उसके लिए उपाय है कि जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे का तापमान नियंत्रित रखें। घर से बाहर निकलें तो सर पे टोपी हो, पैर में जूता चप्पल हो, मोजा हो, मतलब तापमान के साथ अपने को अगर आप सेव करके नहीं चलेंगे तो तापमान आपको नुकसान करेगा। गर्मी का मौसम रहेगा सर तो गर्मी के हिसाब से, सर्दी के मौसम में सर्दी के हिसाब से आपको बचना है। कमरे में खिड़की दरवाजे बंद हो, रोशनदान बंद हो, कमरे में तापमान उचित मात्रा में नियंत्रित है। इस अवसर पर यही कहना है कि माँ बाप को अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आने वाले देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। अतः आहार और विहार दो चीज़ कही जाती है कि अगर सही है तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। आहार मतलब खाना पीना ऐसा हो जो सादगी भरा हो, सफाई से हो, फास्ट फूड से बचें, क्योंकि बच्चा अगर आपका फास्ट फूड खा रहा है तो उसकी लाइफ स्लो हो जाती है। घर का साफ खाना खाएं, तली भुनी चीज़ों से परहेज करें, ठंडी चीज़ों का परहेज करें, पानी गर्म करें, खाना ताज़ा और गर्म खाएं।